हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानू किचन की स्वादिष्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले खोया लिया है, जिसे मावा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। तो ये बिल्कुल मेरा सॉफ्ट मावा है, टाइट मावा हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट मावा चाहिए है। मावे को मैंने अच्छे से किस लिया है, मावे को अच्छे से किस लीजिए ताकि उसमें कोई गुठलियाँ ना हो। मावे को हम इस तरह से मसलेंगे अच्छे से, हथेली का यूज़ करके हमें अच्छे से हमें इसे मसलना है, तभी हमारे गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे। मावा को हमने अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, तो मैंने 250 ग्राम हमारा मावा था, तो हमने यहाँ पे 60 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा लिया है। मावा का हमें एक चौथाई हिस्सा मैदा लेना है। दो दो चम्मच करके मैदा ऐड कर रही हूँ। मावा का हमें एक चौथाई हिस्सा कैसे लेना है? मावे के हम चार हिस्से करेंगे, बराबर बराबर हमें चार हिस्से करने हैं और एक हिस्से के बराबर हमें मैदा डालना है। तो आप एक कप में एक में हिस्से को रख लीजिए और जितना उसमें मावा होगा उतना ही हमें मैदा इसमें ऐड करना है। मेरा पूरा मैदा ऐड हो चुका है, मैं ऐड कर चुकी हूँ। ये देखिए पूरा बन चुका है। थोड़ा देर हमें डो को रखना है, 30 मिनट के लिए हम डो को रेस्ट करने के लिए रखेंगे। शुगर सिरप बनाएंगे, तो शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गंजी चढ़ाई है। गंजी में हमें 2 कप चीनी ली है। 2 कप चीनी के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप पानी डालूँगी। 3 कप पानी डाल दिया है मैंने। ये हमारी जो चीनी थी वो अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से हम पकने देंगे। तो ये देखिए हमारी जो शुगर सिरप है वो अच्छे से पक रहा है, चल चुकी है। अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा शुगर सिरप तैयार है कि नहीं। तो वाली हमें शुगर सिरप नहीं चाहिए है, हमें थोड़ी चिपचिपी टाइप की शुगर सिरप चाहिए, जो चिपचिपी हो, सिर्फ चिपके, थोड़ा हल्का सा चिपके, बस उतनी शुगर सिरप हमें बनानी है। बाकी हमें तार वाली शुगर सिरप नहीं बनानी है। शुगर सिरप तैयार हो चुका है, ये देखिए 30 मिनट हो चुके। हथेलियों से हमें फिर से इसे अच्छे से मसलना है। मसल के हमें अच्छे से थोड़ा सा चिकना करना है डो को। तो हमारे डो अच्छा चिकना हो चुका है, मैंने अच्छे से मसल लिया। जितना आप मसलोगे उतने अच्छे आपके गुलाब जामुन बनेंगे। अब यहाँ पे हम गुलाब जामुन बनाते हैं। तो आप जिस साइज़ के गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं, छोटे बड़े, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक लोई काटी है। अब मैं इसको यहाँ पे गोल करूँगी, तो थोड़ा मैंने अच्छे से यहाँ पे फैला लिया है। फिर उसके बाद मैं गोल कर रही हूँ ताकि यहाँ पे कोई निशान ना हो। ये बन चुका है, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गोल बन। अब हम दूसरा गुलाब जामुन बनाएंगे और इसी तरह से हम सभी गुलाब जामुन को बना लेंगे।
कोई निशान नहीं दिख रहे हैं कि टूटने के। ये देखिए हमारे पूरे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली, यहाँ पे कढ़ाई पहले से तैयार रखी थी, पहले से मैंने तेल को हल्का गर्म कर लिया था। अब इसमें हम गुलाब जामुन डालेंगे। हमें इस तरह का तेल चाहिए कि जैसे मैं भी गुलाब जामुन डाल रही हूँ, तो ये ज़्यादा तेल गर्म नहीं है, मीडियम तेल है, तो इसी तरह का हमें तेल चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम में हमें गुलाब जामुन डालने हैं और हमारा तेल बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा थोड़ा सा कुनकुना हो, थोड़ा सा बस गर्म हो, हल्का सा कुनकुना ही हो तेल, तभी हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे। नहीं तो आप तेज़ तेल में गुलाब जामुन डालेंगे तो वो ऊपर पर से तो ब्राउन कलर आ जाएगा, काले हो जाएंगे, बट वो अंदर से अच्छे से सेकेंगे नहीं और चाशनी में डालने में वो घुल जाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल लो फ्लेम में और कुनकुना तेल होने पर ही आपको गुलाब जामुन डालने हैं और इसे चलाना नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा चम्मच से, स्पून से थोड़ा थोड़ा इसको तेल को हिलाना है तो वो अपने आप सिकते रहेंगे और इसे चलाते ही रहना, नहीं तो गुलाब जामुन एक तरफ सिकेंगे, एक तरफ जल जाएंगे। तो आपको इसी तरह से हिलाना जैसे मैं हिला रही हूँ, हल्का हल्का, देखिए हल्का हल्का तेल को हिला रही हूँ चम्मच से, इसी तरह से आपको हिलाना है। आपको गुलाब जामुन को छूना नहीं है, नहीं तो वो टूट जाएंगे, भिसक जाएंगे। तो ये देखिए हमें अच्छा कलर आने तक, अच्छा डार्क कलर आने तक हमें गुलाब जामुन को सेकना है, क्योंकि हमें काले गुलाब जामुन बनाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छा डार्क कलर आ चुका है, थोड़ा और हमें इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए अब हमारे गुलाब जामुन अच्छे से सेक चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इसे थोड़ी देर हम प्लेट पर रखेंगे, फिर हम इसमें चाशनी में डालेंगे। अब हम दूसरे गुलाब जामुन डालते हैं। इसी तरह से हमें सभी गुलाब जामुन को अच्छे से तलना है। मैंने गैस बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन डाले हैं, नहीं तो वो गर्म तेल में आप गुलाब जामुन डालते तो वो जल्दी से कलर चेंज हो जाता उनका और वो ऊपर ऊपर सिक जाते, बाकी अंदर नहीं सिकते, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया और अब चालू कर रही हूँ गैस को। तो ये देखिए गुलाब जामुन सिक चुके हैं, अच्छा कलर आ चुका है इनमें, डार्क कलर आ चुका है। अब ये देखिए मैंने जो गुलाब जामुन सेके थे वो उसमें हम मैंने चाशनी में डाल दिए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को यहाँ पे काट कर बताती हूँ कितने सॉफ्ट हैं, अंदर बिल्कुल नरम है, बिल्कुल कड़े नहीं है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है अंदर से। गुलाब जामुन में अंदर तक चाशनी है, अंदर तक चाशनी गई हुई है, तो कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे गुलाब जामुन। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इस आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, आप मेरी रेसिपी गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे एक बार ट्राई करिएगा।